हेलो गाइस, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है यूमी एंड फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं पटैटो लॉलीपॉप्स। पटैटो लॉलीपॉप्स को आप बच्चों के लंच में भी पैक कर सकते हैं या शाम को चाय के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, या फिर आप अपनी आने वाली किटी पार्टी में भी एज एन स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। पटैटो लॉलीपॉप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ चार मीडियम साइज के आलू हैं, जिन्हें मैंने उबाल के ग्रेट करके ले लिया है। आप चाहें तो उसे सिंपली मैश करके भी ले लें, लेकिन आलू जो है वो उसमें गांठे नहीं होनी चाहिए। साथ में हमने लिया है एक बड़ा प्याज, जिसे मैंने बारीक काट कर ले लिया है। थोड़ा सा धनिया हमने बारीक काट कर ले लिया है। एक बड़ा बाउल मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, और इसे मैंने सिंपली घर पर ही बनाया है। सिंपल ब्रेड पीसेस को लेके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, बारीक अच्छे से पीस लिया है। और साथ ही में मैंने लिया है दो बड़े चम्मच मैदा, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हरी मिर्ची, एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। और साथ ही में मैं कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर्स देने के लिए ऐड कर रही हूँ मिक्स्ड हर्ब और इटालियन सीजनिंग्स। सीजनिंग्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी ले सकते हैं। और इसके साथ मैं बनाऊंगी एक टेस्टी सा डिप। उसके लिए मुझे चाहिए तीन बड़े चम्मच दही। दही जो है वो मीठा होना चाहिए और गाढ़ा होना चाहिए। साथ में चाहिए एक दो बड़े चम्मच मेयोनीज और थोड़ी सी चीनी। तो चलिए आइए पटैटो बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेट किए हुए आलू में डालेंगे बारीक कटी प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया और आधा ब्रेड क्रम हम इसमें डाल लेंगे, और बाकी का आधा हमें कोटिंग के लिए चाहिए उसके लिए रख लेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। एक छोटी चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग्स। अब हम इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे मैं हाथ से मिक्स करूँगी क्योंकि हमें इसकी बॉल्स बनानी है। तो आप अपने हाथ जो हैं वो अच्छे से धोले हुए होने चाहिए। अब हम इसकी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और बॉल्स बनाने के लिए आप अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लें, जिससे कि बॉल्स जो है वो हाथों पे चिपकेंगी नहीं। हल्का सा ग्रीस कर लें आप अपने हाथों को इस तरह से। और अब आप मीडियम साइज की सेम साइज की बॉल्स बना लें। ये हमने सारी आलू की बॉल्स जो हैं वो बनाकर रेडी कर ली हैं लॉलीपॉप बनाने के लिए। और इतने बैटर से मेरी 17 बॉल्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इसके लिए स्लरी बनाकर रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने ये 2 चम्मच मैदा लिया है। इसमें मैं पानी डालूंगी, और इसका हमें बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी का घोल बनाना है। ये मैंने स्लरी रेडी कर ली है और इस कंसिस्टेंसी की स्लरी बनाई है। और अब हम अपनी आलू की जो बॉल्स रेडी की हैं वो भी ले लेंगे, और साथ में हम बचे हुए ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। बचे हुए ब्रेड क्रम्स में मैं फ्लेवर के लिए थोड़े से मिक्स हर्ब ऐड कर रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब हम एक एक बॉल लेंगे और इस स्लरी में इस तरह से डिप करेंगे। इसे चम्मच की हेल्प से इसे डिप करते हुए हम इसे ब्रेड क्रम पे लपेटेंगे। इस तरह से हम इस पे सारे ब्रेड क्रम्स को लपेट देंगे। इस तरह से हम इसका एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम जो है वो हटा देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, और ऑयल में डालने से पहले इन बॉल्स को आप एक बार फिर इस तरह से कर दें ताकि एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स जो हैं वो उतर जाएं। और अब हम अपनी बॉल्स को इसमें डाल के डीप फ्राई करेंगे। बॉल्स जब कच्ची हों तो उन्हें ना छेड़ें। जब बॉल्स एक तरफ से थोड़ी डन हो जाएंगी 1-2 मिनट के बाद, उसके बाद ही हम इसे हिलाएंगे। और हिलाने के लिए आप इस तरह के फॉक का यूज़ करें, इसे कड़छी से नहीं हिलाएं। ये हमारे पोटैटो बॉल्स जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और इन्हें हम बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं अपने बाकी के पोटैटो बॉल्स भी फ्राई कर लूँगी। पोटैटो लॉलीपॉप्स हमारे बनकर तैयार हैं। उसके साथ एंजॉय करने के लिए मैं एक टेस्टी सा डिप बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये दही लिया है, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी मेयोनीज़, और साथ ही में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा नमक, हरा धनिया, और इसे हम अच्छे से स्मूथ मिक्स बना लेंगे। और ये हमारा डिप जो है वो बनकर तैयार है। इसे हम पोटैटो लॉलीपॉप्स के साथ सर्व करेंगे। और लॉलीपॉप्स को लॉलीपॉप्स की फॉर्म देने के लिए हम इस तरह से इसे सर्व करेंगे टूथपिक के साथ। तो हमारे बहुत ही टेस्टी पोटैटो लॉलीपॉप्स जो हैं वो झटपट बनकर तैयार हो गए हैं।
तो आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।